इसका कोसी सफाई अभियान चल रहा है कोसी से। कोसी का सफाई अभियान चल रहा है जिसे नदी में सब सफाई कर रहे हैं। कोसी नदी में, कोसी नदी की कोई मतलब कोसी नदी का सफाई अभियान चल रहा है। देखिए ये जगह है, ये पीछे अपने करबला से लेके कौसानी तक का, और ये एरिया है मनान की। मनान में अभी ये सफाई एरिया का अनुसंधान चल रहा है। इसमें सभी हमारे जो बड़े बड़े अफसर लोग आए हैं, ये इनको सब डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये चीज़ें होनी हैं, कैसे आपने नदी का सफाई करना है। मेन एम है कि अपने जो हमारे जो नदी कोसी नदी है, ये नदी को इन्होंने सफाई करवानी है। ये देखिए यहाँ पर सब लोग दिखे, ये इकट्ठे हुए हैं। कोसी नदी का सफाई का अभियान के लिए आपके ग्रुप का नाम क्या है? मिलन राम संगठन। मिलन राम संगठन, मिलन राम संगठन, जय श्री राम। नहीं मैम, हम लोग को सुबह से पूरा बल्कि कोशिश है साफ करती हुए हैं। इसमें इन लोगों ने सफाई के लिए दो ग्रुप बना रखे हैं, एक जय श्री राम, एक मिलन। ये देखिए बच्चों ने इसे सफाई करके लेके जा रहे हैं। पूरा नदी का सफाई किया है, पूरी नदी नाले सब इन लोगों ने साफ कर दिए हैं। बहुत अच्छा अभियान चल रखा है ये सीख है। तो बच्चे लोग आपने कहाँ कहाँ से सफाई किया है? खैराकोट पुल से यहाँ तक किया। गुड गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। आप ये जो ले रखा है इसमें क्या है? नीचे नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए। अच्छा, इसमें लिखा क्या है? गंदे हो गए सारे नदी। आप पढ़ना क्या लिखा है? गंदे हो गए हैं सारे नदी और नाले, अब बनो इनके रखवाले। रखवाले, आपका क्या सुनना है? सुजल बेरी। सुजल बेरी, गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुड, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। तो देखिए लोगों ने ऐसा स्लोगन भी लिखे हैं, ये सब नाले सब सफाई सफाई कर रहे हैं। देखिए आप लोग, ये इतने पब्लिक है, ये जो लेडीज एंड जेंट्स और बड़े हमारे पुलिस अधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं, हमारे जो लोग हैं सब लगे हुए हैं, ये लोग सब सफाई सफाई करवा रहे हैं। हो ये तो किचन, ए बापा, ये सभी देखो मनान का है, मनान की एरिया है। ये मनान की एरिया में देखो पुल के नीचे सब सफाई किया जा रहा है, नाले नदी नाले सब गंदे हो गए हैं, इनके रखवाले बनो, जैसे इन्होंने स्लोगन लिखा हुआ है। ये इतना गंदा हो गया है यहाँ पर, देखिए इन लोगों ने यहाँ फेंका था। साथ में इन लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दिया जा रहे हैं कि आइंदा ये लोग यहाँ पर कचरा न फेंकें, आइंदा ये लोग यहाँ पर कचरा न फेंकें। और जो एरिया के जो बीटीसी मेंबर हैं इनको ट्रेनिंग दी जाए। बहुत अच्छा हो गया काम। हाँ ये बच्चे लोग आपका स्लोगन भी जाते हैं, बताइए। गुड गुड, आइए बच्चे लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, आइए।
साथ में इनको ये भी बोलिए कि आज से कचरा नहीं फेंकना है, जैसे इन लोगों ने इतना खर्चा फेंक दिया यहाँ पर, ये सफाई कर रहे हैं उसके बाद आज से कचरा नहीं भी फेंकना है, ये सब होना है और ज़्यादा फेंकना। अच्छा साफ करने में कभी और ज़्यादा फेंक देना तो लो भाई तब आलो सही बना। हेलो ये देखिए नाले साफ हो गए, पीछे जाके वो सफाई कर रहे हैं। ये पूरा सफाई अभियान हो रहा है। मेनली मेरा एक इनसे एक वो है उद्देश्य है कि मतलब ये लोग जो हैं इनको इंस्ट्रक्शन भी दिया जाए कि ये पीछे से और कचरा न फेंकें आगे से, आज ने सफाई किया उसको वैसे ही होना चाहिए। क्यों साहब आप सही बोलते हैं, ये हमारे एरिया के साहब प्रधान साहब हैं, वो क्या है बीजेपी नेता, सीनियर बीजेपी नेता हैं, तो इनका मैं बात करता हूँ। क्यों सर ऐसे होना चाहिए कचरा नहीं फेंकना चाहिए? कार्यक्रम ऑर्गेनाइज इसीलिए किए गए हैं, ये एक तरीके का प्रदर्शन है। आज सफाई का मतलब ये नहीं कि हमने कोसी मतलब जो है सालों साल के लिए साफ कर दिया है, ऐसा इसका मकसद नहीं है। नहीं है, इसका मकसद ये है कि जो आज डेमो दे रहे हैं हम लोग, इस डेमो का डेली रेगुलर जीवन में हम लोग उपयोग करें और कहीं भी ऐसे जल स्रोत हैं या नदी हैं नाले हैं उनके किनारे इस तरीके से जो है हम लोग कचरे को न फेंकें, जिसका प्रभाव हमारे ही जीवन पर पड़ रहा है और पर्यावरण पर पड़ रहा है। बहुत अच्छा, यही चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। जो आज सफाई किया इसके बाद यहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कृपाल साहब बीजेपी नेता हैं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा इन्होंने आपको लेक्चर दिया है, बहुत अच्छा किया है और ये इसको अपने जीवन में ऐसी इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच नेहा साहब।